तो लेने के बुलेरो ही लिए। क्यों ली भाई, और भी तो गाड़ी आती है सेगमेंट। वेलो 140 के पड़े हाँ, आपको विद टायर, विद टायर 200 वाट के बल्ब। अच्छा 200 वाट कम से कम 3-1 लाख रुपए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हर सेंस यार। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक है। तो भाई जैसे कि देख सकते हो आज अपने पास आ चुकी है भाई बुलेरो। और एक बात मैं आपको बताऊँ, बुलेरो का ना दोबारा मार्केट में ट्रेंड वापस आ चुका है भाई। बुलेरो लोग ले रहे हैं, वे बेशक वो सेकंड हैंड ले रहे हैं लेकिन मॉडिफाई ऐसे करा रहे हैं भाई अपनी मनपसंद गाड़ी होने के बावजूद। बाकी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट और मिलवाते हैं गाड़ी के ओनर से। चलो फिर, तो आज की वीडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित भाई। रोहित भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। तो भाई यार मार्केट के अंदर दोबारा बुलेरो का ट्रेंड वापस लेके आ चुकी है जनता, और अपने पास भी एक बुलेरो आ चुकी है जो कि रोहित भाई के रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई ने जो है ना ठीक है अल्टीमेट काम वगैरह करा रखा है। अलॉय व्हील वगैरह की बात करें, सामने हॉर्न वगैरह लाइट वगैरह सब कुछ चेंज है। तो रोहित भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपना कौन सा मॉडल है भाई? 21 मॉडल है। 21 मॉडल है, बेसिक्स ऑप्शनल को। अच्छा, और तो अपने वेरिएंट वगैरह की बात करें तो अपना बेस वेरिएंट है या फिर टॉप? टॉप वेरिएंट है भाई। अच्छा, टॉप वेरिएंट है। जैसे कि हम फ्रंट वगैरह से स्टार्ट करते हैं रोहित भाई, तो फ्रंट वगैरह में क्या क्या चीज चेंज करा रखी है? फ्रंट वगैरह में भाई एक तो लाइटिंग चेंज करवाई थी, लाइट इसमें जो LED HDMI जो लगते हैं बल्ब वो लगवाए जा रहे हैं, हॉर्न वगैरह बदल चेंज। तो हॉर्न अपने कौन से रूट्स वाले होने वाले हैं ना? हॉर्न वाले, और ये भी चेंज करवाई थी। अच्छा, नीचे अपने फॉग लैंप वगैरह भी चेंज है जैसे कि आप देख सकते हो। ये अपने जो है LED होने वाले हैं। तो कितने वाट के हैं अपने रोहित भाई? भाई ये है 200 वाट के बल्ब। अच्छा, 200 वाट के हेडलाइट। और फॉग लैंप की बात करें? फॉग लैंप ऐसे होंगे 50-50 वाट के दोनों। अच्छा, 100 वाट के अपने फॉग लैंप मान लो है ना, 50-50 दोनों साइड कैरी कर रहे हैं। बाकी नंबर प्लेट वगैरह की बात करें तो नंबर भाई अपना वही है जो सीरीज वाला आता है या फिर अलग से कोई लिया हुआ है? नहीं नहीं, ये तो जो अपने आप मिला था वही है। अच्छा, जो गाड़ी के साथ कंपनी देती है वही वाला रहने वाला है। बाकी फ्रंट में और कुछ काम नहीं करा रखा? नहीं, नहीं, या फिर नीचे मुझे लगता है शायद ये चीज पेंट करा रखी है अपने, ब्लैक आउट आती है शायद। हाँ, ब्लैक थी शायद, ये व्हाइट करवा दिए। अच्छा अच्छा, ये जाली है ना इसकी, ये व्हाइट करा, थोड़ी यूनिक सी लग रही थी। हाँ, थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है। और गाड़ी में जैसे कि देख सकते हो कहीं पे भी आपको डेंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो रोहित भाई यार चलाते इतने प्यार से हो या फिर पेंट वगैरह करा रखा है? ना ना भाई, प्यार से चलानी है गाड़ी, तो अपने देखो लाडली रहे बिल्कुल, ऐसा भी ना हो। और बाकी अगर तो अच्छी थोड़ी लगे, टूटते अच्छे से चलानी चाहिए ना। हाँ सही कह रहे हो भाई, यार पैसों की आती है, अब तो गाड़ी वैसे भी इतनी महंगी हो चुकी है, ज्यादा महंगी। तो भाई कितने की पड़ी आपको ये? ये भाई मैंने ली थी, 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी है ये, मुझे पड़ी थी 8.5 की। अच्छा, सेकंड हैंड ली थी आपने? सेकंड हैंड ली। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले i20 थी। अच्छा, i20 थी। हाँ, ठीक है, स्पोर्ट मॉडल हो वो चलाई थी। अच्छा, तो उसके अपने ईयर कंप्लीट हो गए होंगे शायद इसलिए। हाँ, उसके मतलब 1.5 साल रह गए थे, फिर उसके थोड़े से मतलब ऐसा है कि निकाल दे, घर वाले बोलने लगे अपने मन किसी कोई नहीं, चलो दूसरे। तो बुलेरो ही क्यों ली भाई, और भी तो गाड़ी आती है सेगमेंट। अब क्या है ना जी, थोड़ा सा क्या शौकीन बंदे हो गए, तो वाकई हिसाब से ट्रेंड में आजकल गाड़ी चल रही है, देखी भी होगी इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है, फिर मन की चलो कोई ना सिस्टम बुलेरो पे चले। हाँ सही है, अपना जो शौक है बुलेरो से पूरे कहीं आगे। बाकी साइड प्रोफाइल वगैरह आप देख सकते हो भाई ने अलॉय व्हील वगैरह बिल्कुल नए डलवा दिए हैं। इसकी प्रोफाइल वगैरह मैं आपको 275-45 R20 20 इंची के होने वाले हैं। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह रही इनकी? भाई इनकी पड़ी थी 140। 140 के पड़े आपको विद टायर? विद टायर। हाँ, विद टायर। और कहाँ से डलवाए थे भाई अपने ये? भाई करोलबाग X2 मरकरी टायर। अच्छा, मरकरी टायर करोलबाग से डलवाए थे। बाकी अगर साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करें तो और कुछ भी चेंज करा रखा है भाई अपनी ऐसी बेसिक? नहीं नहीं, और सब बस खाली इसमें वो आती थी तुम्हारी जो कंपनी से आती है चिट वगैरह, वो तो सब ग्लाइडिंग, वो सब छुटवा दी मैंने कि अच्छी नहीं लगी थी बस खाली, और थोड़े शीशे अपने करवा रखे। हाँ, शीशे अपने जो है टेंट वगैरह करा रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ये अपनी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अगर रियर प्रोफाइल वगैरह की बात करें तो अपना जो है भाई ने 5 पेयर लिए अपने अलॉय के, है ना? हाँ भाई, 5 लिए थे। उसको मतलब क्या है ना, एक ट्रेंड सा मतलब यूनिक सा लगना चाहिए। नहीं, टायर आता है इसमें पीछे,
तो मतलब मैंने सोचा कि इसमें व्हील डलवाते, तो व्हील से थोड़ा एक यूनिक चीज लगेगी, अच्छी भी लगेगी गाड़ी देखने, अच्छी भी लगेगी। और इस पे टायर भाई ने इसलिए डलवाया शो के लिए, शो के, हाँ बिल्कुल, वरना जो है थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अलॉय व्हील लग के ना मस्त मजा आ रहा है एकदम, हाँ बिल्कुल जम रही है गाड़ी जाके, है ना। और बाकी आप नीचे देख सकते हो ये भाई ने कुछ साइलेंसर वगैरह करवा रखा है, ये भाई नॉर्मल शो ऑफ के लिए है ना, ये तो शो ऑफ के लिए अपना, बाकी अपना ऐसे तो गाड़ी की रील वगैरह देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। बाकी गाड़ी आप लोगों ने देख ली एक्सटीरियर से, अब आपको गाड़ी दिखाते हैं इंटीरियर से। तो रोहित भाई एक बार गाड़ी के अंदर बैठो। तो रोहित भाई इंटीरियर में भी कुछ चेंज कराया है? नहीं ना भाई, इंटीरियर तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल है, बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज कर, क्योंकि मुझे ऐसी मिली थी ये। अच्छा, बेसिक अपनी? हाँ बेसिक ऐसी मिली थी बस, इसमें अगर आगे सीट कवर वगैरह मैं पहले यूज कर रहा हूँ, इनको सही से देखता हूँ कितना चल जाते, उसके बाद सीट कवर चढ़वा देंगे, सीट कवर लगवा दोगे अच्छे से, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो भाई यहाँ पे स्क्रीन भी आप ऐड ऑन करा सकते थे वैसे। स्क्रीन भाई जो सिस्टम है ना, वो स्क्रीन क्या फिर उसमें फ्यूज वगैरह उड़ते रहे ज्यादा, मतलब क्या है ना एक हाई लेवल को सो जा फिर स्क्रीन इसमें बाहर आ जाती, तो उसमें हाथ पे हाथ बात लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने इस कंपनी का डैग है, इसे सबसे अच्छा चलता है इसमें। ये देखो महिंद्रा की बैजिंग वगैरह भी आपको कुछ इस तरह जैसे कंपनीज आता है, भाई ने बताया टॉप मॉडल है तो इसमें सारी चीजें आती थी, स्पीकर वगैरह भी सारी चीजें है ना भाई। स्पीकर दो तो इसमें नीचे है, अच्छा दो पीछे है भाई। ओके, दो पीछे की तरफ है। बाकी एक बार जो है भाई आपको आउटपुट वगैरह सुनाएंगे। तो भाई इसमें एडिशनल भी कुछ करवा रखा है, जैसे की अपने i20 में सिस्टम वगैरह था भाई, सिस्टम लगा रखा। अच्छा पीछे की तरफ है, तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करो, आउटपुट वगैरह गाने वाने चलाओ, फिर आउटपुट वगैरह सुन लेते हैं एक बार कैसा रहता है अपना। फिर भाई एक बार सॉन्ग प्ले कर दो और डिग्गी खोल देना, पेज आके सिस्टम वगैरह एक बार दिखा देंगे जनता को। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, काफी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। तो रोहित भाई अपनी सेम पेटी रहने वाली है जो अपने i20 में रखी हुई थी, तो भाई कितने आ रहे हैं इसकी अपनी है? ये भाई 1000। अच्छा 1000 आ रहे हैं इसकी, और इसमें एडिशनल ये अपने चार स्पीकर हैं। चार नहीं भाई, चार पांच और दो आगे सात। अच्छा सात स्पीकर हैं ये अपने, चार और ये पांच और दो आगे की तरफ, भाई जैसे बता रहे हैं सात स्पीकर हैं। तो भाई कितने की पड़ी थी आपको जब ये भाई पेटी? ये मुझे पड़ी थी भाई 30 के लगभग, 30,000 के आसपास, मतलब पूरा जो सिस्टम है सारा इंक्लूडेड मिला के 31,000 रुपए का बैठ गया सारा। अच्छा 31,000 रुपए का बैठ अपना बैठ जाता है ये। बाकी जब से भाई ये लगवाइए कोई वायरिंग वगैरह की दिक्कत ऐसा कुछ तो नहीं रहा? कुछ नहीं भाई, कोई वायरिंग किसी कोई ना, बस जो अपने जो इसके एम्प के वायर डलते बस, उसके अलावा कोई इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं। ओके, तो भाई डलवाई कहाँ से थी अपनी ये? भाई हरियाणा से डलवाई थी। अच्छा हरियाणा से स्पेशली है, बनवा के अलग बनवाई थी अपने, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो। तो भाई अब बात कर लेते अपना मोटा मोटा टोटल खर्चे की। खर्चा तो भाई हमें जिस दिन से लिए अभी तक लगते ही आ रहे हैं, पर मेरी नज़र में तो लग गए कम से कम 3-1 लाख रुपए। 3-1 लाख रुपए, ठीक है। अलॉय व्हील वगैरह भी आप बता रहे हो और सिस्टम वगैरह भी, सब मैंने 3 लाख रुपए अब तक इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया लेने के बाद भी। लेने के बाद तो ली कितने की थी भाई आपने? ये भाई 8.5 की ली थी। 8.5 की ली थी, और अब ये 11 लाख रुपए की गाड़ी है एक तरह से। आप देख सकते हो गाड़ी का लुक वगैरह कुछ इस तरह से आ रहा है। और भाई यार जब गाड़ी चलती है रोड पर जनता देखती है? जनता भाई किसी दिन आओ साथ में बैठो और दिखा देंगे देखती है या फिर मुड़ मुड़ के। बाकी आप देख सकते हो। बाकी ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो, वीडियो वगैरह कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। भाई का इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो भाई को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है टाटा बाय बाय।